किसान भैया नमस्ते। इस वीडियो में आज हम रसशोषक कीटों के प्रबंधन के लिए स्टिकी ट्रैप का उपयोग कैसे किया जाता है इसकी जानकारी लेंगे। जब रसशोषक कीटों के प्रबंधन की बात आती है तब हमें येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप का उपयोग करना बहुत ही जरूरी होता है। येलो स्टिकी ट्रैप यानी पीले चिपचिपी जाल अपने खेत में सफेद मक्की महुआ पर्णपुटके इन रसशोषक कीटों को आकर्षित करके कंट्रोल करने का काम करते हैं। ब्लू स्टिकी ट्रैप यानी कि नीले चिपचिपी जाल अपने खेत में थ्रिप्स और लीप माइनर की मक्खियाँ अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। और ये पीले और नीले चिपचिपी जाल अपने खेत में कैसे लगाने हैं, किस प्रकार से अपने खेत में खड़े करने हैं, अब हम ये देखते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आपको इको स्टिकी ट्रैप का 25 का पैक मिलता है। इसमें आपको 20 शीट्स येलो मिलती है और बाकी की 5 शीट ब्लू मिलती है। तो इस मिक्स सेट को अपने फील्ड में कैसे लगाना है और इन रसशोषक कीटों का प्रबंधन कैसे करना है तो आइए देखते हैं। दोस्तों ये ट्रैप लगाने से पहले अपने फील्ड में इस प्रकार से आपको डंडी खड़ी करनी है जो अपने क्रॉप के हाइट के हिसाब से हो। आपको क्या करना है, इस डंडी पर ये स्टिकी ट्रैप लगाने हैं और जैसे अपने फसल की हाइट बढ़ती है वैसे आपको ये स्टिकी ट्रैप क्रॉप के हाइट के हिसाब से ऊपर लेने हैं। तो ऐसी आपको डंडी पहले खड़ी करनी होती है। इस प्रकार से ये येलो स्टिकी ट्रैप अपने फील्ड में अपनी फसल की हाइट के हिसाब से आप अपने फील्ड में लगा सकते हैं। अपने क्रॉप की हाइट के ऊपर तकरीबन 2 से 1.5 इंच ये स्टिकी ट्रैप आप लगा सकते हैं। इसी येलो स्टिकी ट्रैप के साथ साथ इस प्रकार के जो ब्लू स्टिकी ट्रैप आते हैं तो ये एक 4 येलो स्टिकी ट्रैप लगाने के बाद उनके बीच में एक ब्लू स्टिकी ट्रैप आपको लगाना है और अपने फील्ड में तकरीबन 1 एकड़ की फील्ड में आपको 30 से 40 स्टिकी ट्रैप लगाकर रसशोषक कीटों का अच्छा प्रबंधन करना है। दोस्तों इस प्रकार से ये स्टिकी ट्रैप अपने फील्ड में फसल के शुरुआती दिनों से लगाइए और रसशोषक कीटों का अच्छे से प्रबंधन कीजिए। और इस प्रकार से नए नए कीटों के वीडियोस के लिए और इस प्रकार की IPM प्रैक्टिसेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।